नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत के वो नौशाही परिवार जो आज भी जी रहे हैं ठाट की जिंदगी। भारत के इतिहास में कई राजा महाराजाओं का जिक्र मिलता है, हालांकि पिछले 5 दशकों में बहुत कुछ बदल गया है। 1971 में भारत के संविधान में हुए 26वें संशोधन के साथ ही राजाओं को मिलने वाले विशेष उपाधियां और उन्हें मिलने वाले प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद शाही परिवार को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी भी ऐसे कई शाही परिवार हैं जो नए जमाने में अपने पूर्वजों की तरह पूरे ठाट से जीवन जी रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ राजवंश परिवारों के बारे में। सो नंबर 1 पर है मेवाड़ राजवंश। महाराणा प्रताप का मेवाड़ राजवंश भारत में सबसे लोकप्रिय और सम्मानित शाही वंशावली में से एक है। वर्तमान में राणा श्रीजी अरविंद सिंह मेवाड़ राजवंश के 76वें संरक्षक हैं और इनका परिवार उदयपुर में रहता है। सभी शाही दर्जे के अलावा पूरे राजस्थान में इस परिवार के हेरिटेज होटल, रिजॉर्ट और चैरिटी संस्थाएं हैं। नंबर 2 पर है जयपुर का शाही परिवार। जयपुर का शाही परिवार राजपूतों के वंशज है, जिन्हें कछवाहा वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग प्रभु श्री राम के पुत्र कुश के वंश का होने का दावा करते हैं। महामहिम भवानी सिंह इनके अंतिम महाराजा थे। भवानी सिंह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने 2002 में उन्होंने अपनी बेटी के बड़े बेटे पद्मनाम सिंह को गोद लिया था। पद्मनाम सिंह इस शाही परिवार की परंपरा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। पद्मनाम सिंह राष्ट्रीय स्तर के पोलो खिलाड़ी भी है। नंबर 3 पर है अलसी सर का शाही परिवार। वर्तमान में अभिमन्यु सिंह अलसी सर के शाही परिवार के प्रमुख और 16वें वंशज है। इन्हें खेतरी के राज्य पर शासन करने के लिए जाना जाता है। जयपुर और रणथंबोर में इनके भव्य महल हैं। इसके अलावा इनका परिवार अपनी संपत्तियों पर कई होटल भी चला रहा है। नंबर 4 पर है राजकोट का शाही परिवार। बदलते समय के साथ कई शाही परिवारों ने अपने राजमहल को हेरिटेज होटलों में बदल दिया, लेकिन राजकोट के शाही परिवार ने अब तक ऐसा नहीं किया है। वर्तमान में युवराज मानदाता सिंह जडेजा इसके प्रमुख हैं। ये शाही परिवार अब बायोफ्यूल डेवलपमेंट और हाइड्रो पावर प्लांट में निवेश कर रहा है। नंबर 5 पर है वाड़ियार शाही परिवार। इस परिवार का इतिहास भगवान कृष्ण के यदु वंश से जुड़ा है। वर्तमान में मैसूर के इस राजघराने के राजा यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाड़ियार हैं। ये शाही परिवार मशहूर रेशम ब्रांड रॉयल सिल्क ऑफ मैसूर का मालिक है। इसे राजा यदुवीर के चाचा श्रीकांत दत्त ने शुरू किया था। नंबर 6 पर है जोधपुर का शाही परिवार। राठौर शासकों 8वीं शताब्दी के प्राचीन राजवंशों में से एक है। वर्तमान में महाराजा गजसिंह द्वितीय इसके प्रमुख हैं। इस शाही परिवार के पास जोधपुर में काफी बड़ा घर है। इसके अलावा उम्मेद भवन और मेहरानगढ़ का किला भी इन्हीं का है। नंबर 7 पर है बीकानेर का शाही परिवार। बीकानेर शहर पूर्व बीकानेर रियासत की राजधानी थी। 1488 ईस्वी में राव बीका द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी। बीकानेर के वर्तमान शाही परिवार का नेतृत्व महाराजा रवि राज सिंह कर रहे हैं, जो बीकानेर के 25वें महाराजा हैं। नंबर 8 पर है बड़ौदा का गायकवाड़। गायकवाड़ राजघराने के मुखिया समरजीत सिंह गायकवाड़ हैं। मराठाओं के ये वंशज 18वीं शताब्दी में बड़ौदा में आकर बस गए। वर्तमान शासक को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति विरासत में मिली थी, जिसमें लक्ष्मी विलास पैलेस भी शामिल है। नंबर 9 पर है पटौदी के नवाब। इस शाही परिवार को हर कोई जानता है। पटौदी राजवंश को पहले भारतीय शीर्ष टीम के प्रमुख और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी संभालते थे। इस परिवार की परंपरा अब बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 2 पर है जयपुर का शाही परिवार। जयपुर का शाही परिवार राजपूतों के वंशज है, जिन्हें कछवाहा वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग प्रभु श्री राम के पुत्र कुश के वंश का होने का दावा करते हैं। महामहिम भवानी सिंह इनके अंतिम महाराजा थे। भवानी सिंह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने 2002 में अपनी बेटी के बड़े बेटे पद्मनाम सिंह को गोद लिया था। पद्मनाम सिंह शाही परिवार की परंपरा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं।
पद्मनाभ सिंह राष्ट्रीय स्तर के पोलो खिलाड़ी भी हैं।